speed to to the the city streets. feel fire. We माई YouTube फैमिली आई होप आप सब ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मेरा है मंडे का व्लॉग और आज मैं जो है ना ऑफिस सुबह मेकअप नहीं करके गई थी मैंने कहा आज कोई क्लास भी नहीं है आराम से ऑफिस में ही बैठना है तो दिल नहीं कर रहा था लेकिन फिर स्टूडेंट्स की कॉल आ गई कि उन्होंने कोई आ, केक कटिंग अरेंज की हुई थी उनका फेयरवेल था तो बस फिर मैंने यहाँ पर ना हल्क हल्का हल्का ऑफिस में मेकअप किया और फिर मैं चली गई अच्छा जी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने केक काट लिया था फिर काम शाम करके मैं तकरीबन तीन बजे घर आई तो अम्मी ने बनाया हुआ था आलू गोश्त था आज और आलू गोश्त मेरा तो बहुत ही फेवरेट है जो शोरबे वाला होता है ये रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर अम्मी ने जो है खाना तैयार किया हुआ था साथ वाइट राइस बनाए हुए थे सैलड था तो बहुत ही मज़ा आया खाने का उसके बाद शाम को उठ के मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ मैंगो डिलाइट मेरा भाई बहुत दिनों से कह रहा था कि मैंगो डिलाइट बनाओ तो बस गर्मी में दिल ही नहीं करता किचन में जाने का तो आज फाइनली मैंने कहा कि चलो आज ना मैं बना देती हूँ तो यहाँ पर मैंने ना दो आम पील कर लिए अच्छी तरह से और इसके बाद ना मैं जो है आम अपने ना वो लेने जो ज़रा मीठे हों तो अभी इसकी ये मैंने पील कर लिया मीन वाइल मैंने ना क्रीम जो है वो फ्रीज़र में रख दी थी और एक आम जो है ना उसका मैं पहले प्यूरी बना लूँगी उसको मैंने काट लिया और उसके बाद जो दूसरा आम है ना वो ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा तो इस वजह से वो अभी मैं नहीं काट रही यहाँ पर मैं एक आम काट रही हूँ और ये बस यहाँ मैंने सारे पीसेस उतार लिए उसके बाद मैंने हैंड बीटर से इसको बीट कर लिया आपके पास अगर हैंड बीटर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर में भी दूध डालकर कर सकते हैं आ, बस इसको आपने अच्छी तरह से इसकी प्योरी बना लेनी है इसमें दो तीन चम्मच दूध डाल देंगे तो ये बड़ी अच्छी सी प्यूरी बन जाती है यहाँ पे एक दो चंक्स भी रह गए थे पर मैंने कहा कोई बात नहीं चंक्स भी अच्छे लगते हैं दरम्यान में आते हुए तो बस यहाँ पे प्यूरी रेडी हो गई है क्रीम जो है ना मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी तो यहाँ पे स्टील के बॉल में मैंने दो क्रीम्स निकाल ली हैं तो मैं वैसे यूजली ऑलपर्स की यूज़ करती हूँ ये नूरपुर की क्रीम है और इसके अंदर मैंने डाला है कंडेंस मिल्क दो चम्मच दो से तीन चम्मच ना ये छोटे जो टिन होता है ना इसके अंदर होता है तो ये बस मैं अच्छी तरह से यहाँ से निकाल रही हूँ छोटे टिन में से निकालना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है बस ये डाल दिया और इसके बाद ना मैंने इसको मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद फिर इसके बाद मैं डालूँगी इसमें रफान की जो होती है मैंगो जेली वो मैंने डाल दी थी वो आपने ऐसे ही डालनी है बनाना नहीं है उसको आप इसी तरह से क्रीम के अंदर इसको डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद आपने जो मैंगो प्योरी बनाई हुई थी वो आप डाल दें चाहे मैंगो प्योरी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपको अगर ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़्यादा डाल लें लेकिन मैं जितना भी डिजर्ट्स बनाती हूँ ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो दो क्रीम्स में एक आम की जो मैंगो प्योरी होती है वो इनाफ लगती है अब ये भी मैंने रेडी करके फ्रीज़र में रख दिया था और मीन बार मैंने कैंडी बिस्किट्स जो है ना वो डिश में डाल दिए थे और कैंडी बिस्किट्स को बस आप नीचे सारे इस तरह से लगा लें और दो पैकेट्स मैं यहाँ पे दो हाफ रोल्स यूज़ कर रही हूँ एक डिश के अंदर आप चाहें तो ज़्यादा मोटी लेयर भी लगा सकते हैं अगर आपको बिस्किट ज़्यादा पसंद है इसके ऊपर आपने थोड़ा सा दूध ज़रूर डाल देना क्योंकि कैंडी बिस्किट्स होते हैं सख्त और जब आप ऊपर वो डालेंगे ना लेयर तो वो लेयर थोड़ी सख्त होती है तो वो उससे नरम नहीं करती अगर आप दूध डाल देंगे तो ये अच्छी तरह नरम हो जाएगा फिर मैंने कुछ आम के चंक्स डाले इसके ऊपर और फिर यहाँ पे अब मैंने जो प्योरी वो और वो सारी चीज़ें मिक्स की थी ना क्रीम भली वो मैंने यहाँ पे सारा वो जो मटेरियल मैंने बनाया था वो मैंने इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से लेयर लगा दिए तो बस ये इतना इसका टेस्ट मज़ेदार बनता है और इसके ऊपर आपने फिर मैंगो जो चैंक्स है ना वो मैंने डाल दिए हैं वो आप जितने चाहें रख सकते हैं इसके ऊपर फिर कुछ प्यूरी बची हुई थी एक दो चम्मच वो मैंने इस पे डाल दी है डिज़ाइनिंग तो आपकी मर्जी जो मर्जी कर ले मैंने तो घर में ही हमने खाना था और गर्मी इतनी ज़्यादा तो मैंने कोई खास डेकोरेशन नहीं की बस प्यूरी डाल दी उसके बाद जो है ना जेली मैंने बनाई हुई थी और जेली ना यहाँ पर मैंने क्यूब्स नहीं काटे बस हल्की सी जब ठंडी होगी तो इसी तरह से ऊपर पूरे उस पर डाल दिए जेली ऑप्शनल है आप ना भी डाल लें तो वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनता है लेकिन जेली के साथ और मज़ेदार हो जाता है वो कहते हैं ना जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा तो यहाँ पे ये डिज़र्ट रेडी हो चुका है और बिलीव में ये इतना मज़ेदार बना था था कि कि ये और इसको दिल करता है कि आप खाते चाओ, खाते जाओ जाओ इतना अच्छा टेस्ट है इसका इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा बिकॉज समर्स में ना मैंगो का ये एक डिज़र्ट जो है ना ये मेरा है वो आम जैसे कहते हैं ना कि बादशाह होता है फलों का तो इसी तरह से ये डिज़र्ट भी मुझे लगता है कि बादशाह होता है सारे डिजर्ट्स का तो सबको ये बहुत पसंद आया यहां पर मैं सबको सर्व कर रही हूँ तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी डेज़र्ट की रेसिपीज अगर ट्राई करें तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं इस गर्मी में और जो है उसको लाइक कर देते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है सब्सक्राइब भी किया करें फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करें तो चलें जी मिलते हैं इन नेक्स्ट व्लॉग में और अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ